हे गाइस, अगेन वेलकम बैक। बंगाली हिलशा फिश सबका बहुत ही फेवरेट होता है एंड ये बनाना भी बहुत आसान है। सो आज का मेरा रेसिपी है सोरसे इलिश। ये एक बहुत ही फेमस बंगाली डिश है एंड ये सबसे ज़्यादा मानसून के टाइम पे ही बनाया जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने ले लिया है 5 पीस फिश का एंड इसको मैं अभी मैरिनेट करूँगी नमक और हल्दी से। हिलसा फिश के भी बहुत सारे वैरायटीज होते हैं तो ये स्पेशली बांग्लादेशी हिलसा फिश है। अब सारे पीसेस को ना मैं बहुत अच्छे से मैरिनेट कर रही हूँ नमक और हल्दी के साथ। अभी मैं इसमें थोड़ा सा तेल ऐड करूंगी सरसों का एंड देन उसको फिर से अच्छे से मैरिनेट करके थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ। जब तक ये मैरिनेट होता है ना तब तक मैं पेस्ट बना लेती हूँ मस्टर्ड का। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है सरसों ब्लैक मस्टर्ड सीड्स 3 टीस्पून एंड वाइट मस्टर्ड सीड्स है 2 टीस्पून और 2 टीस्पून मैंने लिया है पॉपी सीड्स, खसखस बोलते हैं उसको। एंड साथ में मैंने कुछ हरी मिर्च वॉश करके रखे हुए हैं। एंड इस पेस्ट में ना मैं जस्ट 2 ही ग्रीन चिली डाल रही हूँ क्योंकि तीखा आपको अपने टेस्ट के हिसाब से ही एडजस्ट करना है। सो पेस्ट को मैंने एक बार ग्राइंड कर लिया बिना पानी डाले। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी डालूंगी। पानी डालने के बाद ना आपको इसका एक फाइन पेस्ट बनाना है। सो फाइन पेस्ट बनने के बाद ना मैं इसमें 1.5 टीस्पून कर्ड ऐड कर रही हूँ एंड देन उसके बाद फिर से आपको इसको ग्राइंड कर लेना है। सो इस रेसिपी में ना कर्ड ऑप्शनल है, अगर घर पे अवेलेबल हो या फिर आपका मन करे तभी ऐड करना, वरना आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हो। सो फिश यहाँ पे बहुत अच्छे से मैरिनेट हो चुका है एंड इवन मस्टर्ड पेस्ट भी रेडी है। तो अब बारी है स्टीम करने की प्रोसेस की, जिसके लिए हमने लिया है एक एयर टाइट टिफिन बॉक्स। उसमें हमने डाल दिया थोड़ा सा मस्टर्ड पेस्ट। अब एक एक करके सारे मैरिनेटेड फिश के पीसेस मैं इसमें डालने वाली हूँ। जितना भी मस्टर्ड पेस्ट बाकी था ना उसको मैंने फिश के ऊपर ही डाल दिया एंड उसके ऊपर अब मैं रखने वाली हूँ ग्रीन चिलीज। सो लास्ट में आप लोग को थोड़ा सा डालना है नमक अपने टेस्ट के हिसाब से एंड देन थोड़ा सा सरसों का तेल। सो स्टीम करने के लिए ना मैंने कढ़ाई में ले लिया है थोड़ा सा पानी, उसके बाद मैंने उसमें टिफिन बॉक्स को रख दिया एंड देन उसको मैं अभी कवर कर रही हूँ एक प्लेट से। तो 15 मिनट के लिए इसको हम लोग रख देंगे स्टीम होने के लिए। सो 15 मिनट बाद आपका रेडी हो जाता है गर्मा गर्म सोरसे इलिश, जिसको आप लोग स्टीम राइस के साथ सर्व कर सकते हो। सो गाइज, वीडियो अगर अच्छा लगे देन प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन स्टे सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। टाटा बाय बाय।